नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक होम डेकोरेटिव प्लांट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस प्लांट को चाइनीज फैन पाम प्लांट बोलते हैं। चाइनीज फैन पाम प्लांट काफी बड़ा प्लांट होता है, जिसकी पत्तियां फैन के जैसी होती है, जैसे कि आपको दिख रही है, देखिए। लेकिन ये वो फैन नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक फैन होता है। ये फैन वैसा है जैसे कि चाइना के अंदर जो हवा करने के लिए यूज करते हैं, वो पत्तियों से बना होता है, जैसे कि अपने यहाँ भी होता है। पहले के लोग करते थे जो खजूर की पत्तियों से जो बनता है अपने यहाँ पे, उसे फैन बीजना भी बोलते हैं कुछ विलेजेस में। तो उसी तरह से चाइना में भी यूज होता है, और जो चाइना में यूज होता है वो उसका शेप देखिए इस लीव्स जैसा होता है, इसलिए इस प्लांट का नाम चाइनीज फैन प्लांट है। ये मोस्टली ग्रीन होता है और इंडोर प्लांट है। ओके दोस्तों, मैं अभी इस प्लांट के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, फिर मैं इसको पॉट करूंगा एक प्लास्टिक के पॉट में। अगर हम कंटेनर में ग्रो करते हैं इसको, बड़े कंटेनर में, तो ये 10 फुट की हाइट तक ग्रो कर सकता है। और इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता, इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जैसे कि हम रूम के अंदर रख सकते हैं, बरामदे में रख सकते हैं, इंडोर जहाँ पे हल्की धूप आती हो, डायरेक्ट ना आती हो। दोस्तों, इस प्लांट में वाटरिंग का हमें ध्यान रखना होता है। इसमें वाटरिंग तभी करें जब सोइल इसका हमें ड्राई होता दिखे, कंप्लीट ड्राई भी ना होने दें। लेकिन जब जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये अभी ड्राई हो रहा है यहाँ से, तो हम इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और सर्दियों के अंदर इसमें वाटरिंग कम कर दें। और एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये कि जो वाटर इसके अंदर हम डालेंगे वो साफ वाटर हो। दोस्तों, इसके लिए जो सोइल यूज हम करते हैं वो दो पार्ट पीट मॉस या कोको पीट हो, और एक पार्ट सैंड हो यानी कि बजरी हो, और पोटिंग सोइल हो। इन तीनों को मिक्स करके हम इसका सोइल मिक्स बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग 2 से 3 साल के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों, मोस्टली इंडोर प्लांट को हम लिक्विड प्लांट फूड देते हैं, लेकिन पाम में ऐसा नहीं होता, इसकी स्लो ग्रोथ होती है और इसको ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती। इसको हम समर और स्प्रिंग में फर्टिलाइज कर सकते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के साथ। इसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, हम इसको फैम में ग्रो कर सकते हैं, और इसके जो सीड्स है उसको जर्मिनेट होने में 2 महीने लग सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब मैं इसको पॉट करता हूं। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि कौन सी पॉट यूज करूं, तो ये पॉट छोटे रहेगी, तो इसके लिए मैं ये नर्सरी पॉट यूज करूंगा। इसका साइज भी ठीक है और इसमें प्लांट भी अच्छा लगेगा। देखिए, आई थिंक ये ठीक है, तो इसमें हम इसको पॉट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसकी जो ये पॉलिथीन बैग है ये रिमूव करना होगा, बट पहले इसको जो पॉट है इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना है, जो हम पॉट यूज करें उसमें अच्छे से ड्रेनिंग होल हो और सोइल भी हमारा वेल ड्रेन हो, तो इसमें होल अच्छे से हैं और वाटर अच्छे से ड्रेन होगा। दोस्तों, मैं पॉट में अक्सर आपको बताता हूं कि मैं जो लास्ट में बॉटम में कंकर यूज करता हूं, लेकिन ये नॉर्मल प्लांट है तो इसके लिए मैं इसके अंदर जो कोको कोर है, देखिए ये मैं ये यूज करूंगा। इसका रिजल्ट काफी अच्छा आया है, मैंने काफी प्लांटों में ये यूज किया है। इससे क्या होता है, वाटर ड्रेन भी अच्छे से होता है और जो मिट्टी है वो कट के नहीं जाती, बिकॉज जो हम अब यूज करेंगे वो सोइल ऐसा है कि अगर बड़ा होल है तो उसमें जा सकता है। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको इसमें लगा दूंगा, जिससे क्या होगा, वाटर भी अच्छे से ड्रेन होगा और हमारा सोइल नीचे नहीं जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम एक बार सोइल और मिक्स कर लेते हैं। तो मैं जो सोइल यूज कर रहा हूं वो आपको बता देता हूं, मेरे पास पीट मॉस नहीं है, तो मैं कोको कोर और ये जो गार्डन सोइल है वो है, और ये थोड़ी सी बजरी है। मैं इन तीनों को मिक्स कर लेता हूं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम जो सोइल पड़े या कहीं देखें वो ही सेम यूज करें, हम अपने क्लाइमेट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं कभी भी जब अपना सोइल यूज करता हूं तो मैं अपने हिसाब से करता हूं।
बिकॉज हर जगह का क्लाइमेट अलग होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो काफी गर्म है, यहाँ गर्मी तेज होती है, तो मैं उस हिसाब से बनाता हूँ। अगर आपके पास ठंडा इलाका है तो आप उस हिसाब से कीजिए। ओके दोस्तों, ये सोयल मिक्स हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इस ट्री की जो ये बैग है इसको निकालेंगे, तो इसके लिए हम इसको काटना होगा। ओके दोस्तों, मैं इसको सीजर से काट देता हूँ। मैं वैसे जो डेकोरेटिव प्लांट्स है वो नहीं लगाता, लेकिन कुछ फ्रेंड्स की क्वेरी आती है कि आप जो घर में यूज होने वाले प्लांट्स भी हमें बताया कीजिए कि किस तरह से हम उनको ग्रो करें। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बीच बीच में आपको इन सब का भी बताता रहूँ, और इसी बहाने क्या होगा मेरे पास भी काफ़ी प्लांट हो जाएंगे डेकोरेटिव के, बिकॉज मैं पहले कभी डेकोरेटिव प्लांट नहीं रखता था, मैं मोस्टली बोनसाई पे ही वर्क करता हूँ। दोस्तों, हम इसके रूट वॉल को नहीं तोड़ेंगे। देखिए, रूट से इस बैग के अंदर चली गई है, तो हम केयरफुली इसको रिमूव करेंगे। ओके दोस्तों, ये बैग हमने रिमूव कर दिया है, ये इसका रूट बॉल है। तो अब हम पॉट को लेके आएंगे, और पहले पॉट में हम थोड़ा सा सोइल डालेंगे, उसके बाद हम प्लांट को लगा के इसमें देखेंगे साइज कैसा है, कहाँ तक है। आई थिंक थोड़ा सा सोइल और डालना होगा हमें। दोस्तों, ये ध्यान रखिए इसकी जो लीव्स है, ये देखिए लीव्स पे यहाँ पे इसके कांटे लगे हुए हैं, तो आप प्लांट को उठाते टाइम ध्यान रखें। जैसे कि मैंने अभी उठाया तो मेरे हाथ में एक दो कांटे लग गए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसको नीचे से यहां से पकड़कर फिर उठाइएगा। आई थिंक आप ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसमें सोइल डाल देंगे इसके रूट बॉल के चारों तरफ। दोस्तों, तो ये हमने प्लांट यहाँ पे लगा दिया है पॉट के अंदर। ओके दोस्तों, अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। दोस्तों, अब नेक्स्ट वाटरिंग में तब करूंगा जब इसका सोइल ड्राई हो जाएगा तब। ओके दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना है, इसकी जो लीव्स है उसको हम स्प्रे करके क्लीन रख सकते हैं। उससे क्या लीव्स की ग्रीन टी बनी रहेगी, लीव्स जो है ग्रीन रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे। प्लांट में एक नई चमक आ जाती है लीव्स क्लीन करने के बाद। ओके दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और प्लांट्स इस तरह के आपको लाके और उनके बारे में बताऊं। मैं बोनसाई के साथ साथ आपको नॉर्मल प्लांट्स की भी जानकारी दूंगा। ओके दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।